आज से करीब 43 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट। वॉयजर 1, अगर आप एक स्पेस एंथुसियास्ट हैं तो वॉयजर 1 के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ये मानव द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमसे सबसे ज़्यादा दूरी तक जा चुका है और इतिहास का पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। आज इस वीडियो को देखते वक्त वॉयजर 1 हमसे करीब 22.5 बिलियन किलोमीटर दूरी तक जा चुका है, लेकिन ये इतना दूर पर भी आज भी हमसे संपर्क में है और हम लगातार इसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। और पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो तो पूरा देखना बनता है मेरा। तो हेलो दोस्तों, मैं उत्कृष्ट, चलिए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो। 1964 में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंडरो ने यह नोटिस किया कि 1970 के दशक में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक सीधे लाइन में आने वाले हैं। तब उन्होंने ग्रैंड टूर नाम के एक कॉन्सेप्ट को सामने रखा जिसमें हम सौर मंडल के सारे ग्रहों को करीब से देखने वाले थे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था जिससे हम सभी बाहरी ग्रहों को करीब से देखना और उन पे तस्वीर ले सकें। इस पूरे मिशन का नाम रखा गया द ग्रैंड टूर प्रोग्राम। लेकिन बदकिस्मती से इस प्रोग्राम को कुछ कारणों से सोचे गए तरीके से लॉन्च नहीं किया जा सका। परंतु इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार नासा ने साल 1977 में एक दूसरा मिशन किया था जिसका नाम दिया गया द वॉयजर प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, वॉयजर 2 और वॉयजर 1। 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था वॉयजर 2 स्पेस प्रोब। उसी के ठीक 16 दिनों के बाद यानी 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था वॉयजर 1। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के जरिए से हमने सभी गैस जायंट्स को करीबी से देखा था, लेकिन इस प्रोग्राम में हमसे प्लूटो मिस हो गया। वॉयजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को फ्लाई बाय किया था, लेकिन वॉयजर 1 ने जुपिटर, सैटर्न और उसके सबसे बड़े मून को फ्लाई बाय किया था। इसके लॉन्च के करीब 3 साल 3 महीने 9 दिनों के प्लैनेटरी मिशन के बाद वॉयजर 1 चल दिया एक अनजान से सफर पर जहां उसे आगे क्या मिलने वाला था ये किसी को भी मालूम नहीं था। इसके लॉन्च के करीब 43 साल 1 महीने बाद ये इसका सफर आज भी जारी है। आज इस वीडियो को देखते वक्त वॉयजर 1 करीब हमसे 22.5 बिलियन किलोमीटर दूरी तक जा चुका है। 25 अगस्त 2012 को वॉयजर 1 ने हमारे सौर मंडल की बाउंड्री हीलियोपॉज को क्रॉस कर दिया था और इंटरस्टेलर मीडियम में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। आज ये हमसे 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये धरती और सूरज की दूरी का 145 गुना ज्यादा है, परंतु हम आज भी इसे इतनी दूर से भी ट्रैक कर सकते हैं। और साल 1990 में वॉयजर 1 के द्वारा ली गई धरती की एक तस्वीर जिसे द पेल ब्लू डॉट इमेज कहते हैं उसे लेने के बाद वॉयजर 1 के सभी कैमरों को बंद कर दिया गया। अगर दोस्तों आपको भी हमारे साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर पे चलना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जब हम उसे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।